देखो आप लोगों के सामने कुछ पर्चियां पड़ी हुई हैं, ठीक है। इन पर्चियों पर कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। अब आप लोगों को करना ये है कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को एक पर्ची उठानी है, ठीक। और जैसे ही आप वो एक पर्ची उठाएंगे, उसे आप अपने पास रख लेना, और जब हम आपसे ये कहेंगे कि अब उस पर्ची को खोलकर उसके प्रश्न पढ़ लें और उसका उत्तर सोच लें, ठीक है। जैसे ही आप उत्तर सोच लेंगे, तब जिसको भी अपने प्रश्न का जवाब आ रहा है वो अपना हाथ खड़ा करेगा और जवाब देगा, ठीक है। तो अब आप लोग एक एक पर्चियां उठा लो। उठा ली किसी ने? दो दो उठा ली शायद। अब अपने अपने प्रश्न पढ़ लो। पढ़ लिया प्रश्न? अब प्रश्न पढ़ने के बाद जवाब किसको आ रहा है? सबसे पहले बलराम। सूचक कौन कौन है बताओ? हाँ हाँ, लिटमस पेपर। इसके अलावा और कोई सूचक भी हो सकते? हाँ, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। शाबाश, वेरी गुड। अगला प्रश्न काजल। ऑक्साइड कितने प्रकार की होती हैं? कौन 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 ऑक्साइड, कौन बताएगा ये? बताओ रंजना। अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड। अगला प्रश्न कौन बताएगा? रोहित, बैठ जाओ आप लोग, शाबाश। हाँ, वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है। निब्बू के रस में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल, वेरी गुड। लवकुश, एक प्रबल अम्ल का उदाहरण बताओ। सल्फ्यूरिक अम्ल, शाबाश, तालियां। अगला प्रश्न हरी। पारे का प्रतीक चिन्ह बताओ। एच ए जी नहीं, वो बता रहा है। एच